वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फ्रेंड्स, हम सब यहां पर आज जिस बुक लॉन्च के लिए इकट्ठे हुए हैं उसके राइटर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी कलम की स्याही ने हर बार हमारे दिलों पर निशान छोड़े हैं। जी हां, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने श्री सिद्धार्थ दास हैं। सो प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड, प्रोफेसर सिद्धार्थ दास। थैंक यू सर। आइए प्रोफेसर, प्लीज। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। कहीं अनकही बातें, इस किताब की हर कहानी एक जमाने में हकीकत थी। बीते हुए लम्हे लफ्जों की शक्लिए इन कहानियों में आज भी जीवित हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गिव यू 9.5 लव स्टोरीज। 9.5? जी हां, 9.5। दोस्तों, इस किताब की एक कहानी अधूरी है, अनकही है। इस कहानी का अंत मैं आज तक ना तो कभी सोच पाया हूं और ना ही कभी जान सका। इसलिए ये कहानी आज भी अधूरी, अनकही। एनीवे, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बड़े गर्व के साथ इस कहानियों की किताब को आपके कॉलेज को समर्पित करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। प्रिंसिपल साहब,
कॉलेज का ये कमरा सालों से बंद है ना? हाँ। ये पेंटिंग रूम हुआ करता था ना सर? हाँ, हमने इसे स्टोर रूम बना दिया है। क्यों क्यों सर? तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। आप लाइब्रेरी की बुक यहां क्यों रख रहे हैं? तुमसे कहा ना कि अपने काम से काम रखो बस। सॉरी सर। और सुनो जी, ये कमरा बिल्कुल वैसे ही बंद रहना चाहिए जैसा कि हमेशा रहता है। जी सर। इसी हालत में खुलना नहीं चाहिए। कुछ कमरे कुछ राज बंद रहे तो ज्यादा अच्छा है।
से होने से कुछ कुछ तुमको भी होता है ना। हम जाने तुम जानो सब जाने फिर भी शर्माए तेरे नैना। बिंदास आहा बिंदास आहा। मैं बोली लड़की हूँ डरती हूँ तुमसे छेड़ो ना सब है खड़े। थोड़ा हंसी तो पसी में कसम से शातिर हो तुम भी बड़े। बिंदास आहा बिंदास आहा। मेरी ये मस्ती मेरे ये नखरे पागल दीवाने हम बिखरे बिखरे। डरता है क्या मुझको तू चखरे और मैं बोलूं तुझे क्या। मेरी ये मस्ती मेरे ये नखरे पागल दीवाने हम बिखरे बिखरे। डरती है क्या मुझको तू चखरे और मैं बोलूं तुझे क्या। मीठे जहर पे तीखी नजर हम दोनों है बिंदा। मीठे जहर पे तीखी नजर हम दोनों है बिंदा। बिंदास आहा बिंदास बिंदास आहा बिंदास आहा। थैंक गॉड तुम अमेरिका से वापस आ गए। ये लो खुद ही देख लो 4 साल हो गए लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वही घड़ी वही बिल्डिंग वही कंपाउंड वही जमीन वही आसमान सब कुछ सेम है और तो और प्रोफेसर्स भी सेम हैं। सही बात है यहाँ कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे बकबक करने की आदत भी नहीं गई। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस बिल्डिंग का कलर कुछ अजीब है। क्या फर्क पड़ता है। सही बात है क्या फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली You know Manav? I know Manav. अरे नहीं रे, you know Manav? Of course I know Manav. अभी तू ना, you know Manav? अभी तू उनका खींच के, कुछ नहीं. You know Manav? हमारे कॉलेज में 263 लड़कियां हैं. उसमें से 261 लड़कियों को ये प्रपोज कर चुका है. या. लेकिन एक भी नहीं पटी. और बाकी की तो? दोनों का आपस में चक्कर है. ये बेचारा बीच में क्या करेगा? अरे यार, मैं कुछ भूल आया. कहाँ? अमेरिका में. Funny. तुम लोग ना? अली सुन तो। एक्सक्यूज मी आपका रुमाल। ये मेरा नहीं है। रख लीजिए। लेकिन ये मेरा नहीं है। गुड, ये मेरा भी नहीं है। आइए आपस में बांट लें। शाम को मिलते हैं कैंटीन में। हाय हाय पहचाना? माय गुड सेल्फ पुनीत, पुनीत कुमार। ठीक है, टल्ली। योर गुड सेल्फ दिशा। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, साफ है साफ है, बैठ जाइए। मैं आपको मिलाता हूँ, ये अक्षय है। हाय। कबीर कबीर वो कबीर। शांति शांति। हाय हेलो। और ये मानव। हाय मानव। हाय। अब ये है माय फ्रेंड दिशा। शाम को चल रही हो ना मेरे साथ? कहाँ कहाँ, इसकी एंगेजमेंट में। ये शांति बता ना। यस, वी आर गेटिंग एंगेज्ड टुनाइट, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? तुम आओगी, तुम्हारी सबके साथ दोस्ती भी हो जाएगी। देखा, कंफर्म कर दिया, इसकी एंगेजमेंट है, बाद में शादी भी होने वाली है, सब कुछ फिक्स है। ओके। बच्चे कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं। मैं देखती हूँ। माना हे भगवान, अबे यार नीचे लोग इंतजार में सूख के दुबले हुए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी हालत देख लो। क्या बात चल रही बताओ ना। कुछ नहीं, हम तो अभी किस करने वाले थे। हाँ तो क्या हुआ, हमारी सगाई होने वाली है, हम तो किस कर सकते हैं ना। शांति
खुशा यार। अरे जल्दी आओ मुझे। हाय हाय, तुम्हें घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नॉट एट ऑल, कंग्रेट्स। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे यार, तुम लोग एक दूसरे का मुंह ही देखते रहोगे या कुछ डांस वांस भी करोगे यार? आए हो किस बगिया से? लगता है तुम इस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई हो। चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ये बच्चे तुम्हें घर छोड़ आएंगे। तुम सबने क्या उस झूमर की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा है क्या? टल्ली, एक बात बोलूं? क्या? काश दिशा को तूने बचाया होता तो आज मानव और शांति से पहले तेरी और दिशा की सगाई हो जाती। मैंने सोचा ही नहीं यार, इतना अच्छा मौका हाथ से गया। शिट, मौका दोबारा भी मिल सकता है। कैसे? अगर दिशा दोबारा से उस झूमर के नीचे खड़ी हो जाए तो। चुप रहो तुम दोनों। सुन, अगर दिशा उस झूमर के नीचे खड़ी भी हो जाए तो क्या गारंटी कि झूमर दोबारा गिरेगा? तुम लेते हो गारंटी? वो तुम लेते हो? तुम लेती हो? हाँ, कबीर की। हाँ? क्या? अरे बाबा, गारंटी, जब से मैंने कबीर की गारंटी ली है ये कभी किसी लड़की पर नहीं गिरा। कबीर बर्फ की दीवार थी यार। कोई बर्फ बर्फ नहीं है। वहाँ तो मैं सच कह रहा हूँ यार, कभी कहाँ है? कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। गाड़ी की चाबी कहाँ है? हाँ। गाड़ी में। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तू पीछे बैठ। चलो, कमॉन। चलो चलो चलो, कमॉन। मेंटल अटैक। कमॉन, क्या हुआ इसे? क्या खाक गाड़ी चलाएगा? गाड़ी का टायर पंचर है। ओह नो, अब क्या करे, टायर भी पंचर हो गया और यहाँ तो ठंड। ओह, यहाँ तो ठंड भी बहुत है। कापो अक्षय की। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ वो क्या है? एक काम करो, तुम टायर बदलो, विल चेक इट आउट। चले कबीर। अबे तू कहाँ जा रहा है, चल सेपनी चेंज कर। लेकिन यार। अबे तेरी माँ खुश हो जाएगी। लेकिन यार। अरे मैकेनिकल इंजीनियर तो नहीं बन सका, कम से कम अपनी माँ को मैकेनिक तो बन के दिखा दे। चल ऑल द बेस्ट, बाय। मैं आना। लेकिन यार। दरवाजा भी खुला है, शायद किसी ने हमारे स्वागत के लिए खोल के रखा होगा। लगता है घर काफी दिनों से बंद था।
अच्छा हुआ तूने बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। It's cold. कौन है? कबीर, अरे क्या हुआ? कबीर क्या हुआ? क्या हुआ ऐसे? कबीर बताओ, बताओ। वो, हाँ, वो, हाँ, वहाँ क्या? वो कमरे में। दिशा, क्या? पर्दा, क्या बोल रहा है? पर्दा। पर्दे से डर गया? देखो, आज तो तुम सबको एडमिट करना ही पड़ेगा कि हमारे ग्रुप में कबीर ही सबसे। अरे यार, मेरी बात मानो यार, मानो। मैं जब कमरे में गया था, वो पर्दे से मुझे लपेट लिया। अच्छा, अरे आग लगे क्या? अरे लकड़ी चाहिए यार, आग नहीं जलानी क्या? ओह गॉड, उसने ऐसे अटैक किया जैसे उसे लकड़ी नहीं लड़की चाहिए जलाने के लिए। सिक। दोस्त ऐसे हो तो दुश्मन की जरूरत किसे है यार। इस टायर को ढोते ढोते मैं टायर ढो गया हूं बे। वहाँ भी एक रूम है। हाँ, वहाँ गंदा होगा ना? गंदा ही होगा। हाँ ठीक हो यार। क्या हुआ? कौन है? कौन है वहाँ? अरे कोई नहीं है यार, मैं हूँ। वो आया था, उसी ने मेरी चेन खींची। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारी चेन इस खिड़की में अटक गई होगी। वो यही कहीं है। कौन? अमर, 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 मेरा प्यार। प्यार? यानी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्यों? जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो सकते हो तो उसका कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? लेकिन मैं तुम्हारे जान के पीछे थोड़ा ना पड़ा हूँ। तुम गलत समझ रहे हो, वो साइको है ना? उसकी हरकतें देख कर हम उसकी दिमागी हालत समझ गए। ऐसी बात नहीं है, अमर, अमर कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी आ सकता है। लगता है अमर वापस आ गया। क्या बात? इतनी दरार तो नहीं थी, अचानक कहां से आ गई? अरे अमर ने किए। हाँ? भूत है ना वो, उसके होते हुए कुछ भी हो सकता है। दिशा पर अटैक हो सकता है, पेंटिंग गिर सकती है, दीवार पर दरार बन सकती है। अब देखना, शायद दरार में से खून भी निकलने लगे। ये क्या, पानी निकल रहा है? पानी? लगता है ज्यादा पावरफुल भूत नहीं है इसका बॉयफ्रेंड। चुप रहो। कमान दी, बहुत बोल चुके मेरे अमर के बारे में, बस। कमान दिशा, देख रही हो तुम क्या हो रहा है? अक्षय रिलैक्स। मेरा अमर मर चुका है, मर चुका है मेरा अमर।
लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो यही कहीं है, मेरे आसपास है। मानव, मानव, अच्छा है। गाइस, गाड़ी के चारों टायर ब्लास्ट हो गए यार। क्या बात कर रहा है? क्या? मैं सच कह रहा हूँ यार, माँ कसम। क्या? आई डोंट बिलीव इट। कबीर तू जाके देख। हाँ, हाँ। अक्षय तू मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करता यार? तेरे दिमाग में ठंड चढ़ गई, आग के पास बैठ, ठीक हो जाएगा, आ जा। मानव, अक्षय तेरे ठीक कह रहा है यार, चारों टायर ब्लास्ट हो गए यार। अमर, क्यों तुझसे भी ज्यादा डरावनी थी क्या? सलाम साहब, काम हो गया। वाह भाई साहब, आपने तो बड़ी जल्दी चारों टायर के पंचर ठीक कर दिए। अरे नहीं साहब, एक ही टायर पंचर था। एक? लेकिन रात को तो चारों टायर पंचर थे। हाँ यार। नहीं नहीं, एक ही टायर पंचर था साहब। कितने हुए? 50। ये ले। थैंक यू साहब। टली तूने तो कहा था रात को चारों टायर पंचर थे। मां कसम यार, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो बाकी के तीन कौन? अमर खन्ना आके ठीक करके गया क्या? बकवास बंद कर। अमर खन्ना ही आया होगा। अमर खन्ना? ये कैसे जानते हैं अमर खन्ना को? अरे पहुंचा मेरी माँ। अरे 5 मिनट तो लेट हूँ। I'm coming। अरे आ रहा हूँ। अरे मेरी राजधानी। I'm coming। इतना बकबक करती है, but I love। मिया, तुम्हारी ये जैकेट देने आई। नहीं नहीं, प्लीज वेयर इट, तुम पे अच्छी लगती है। एनीवे, तुम कहीं जा रही थी? कॉलेज। कॉलेज? मैं भी कॉलेज जा रहा था। शुड आई ड्रॉप यू? लेट आने की भी एक लिमिट होती है, समझता क्या आपने आपको? वैसे तो लड़कियां लड़कों को वेट कराती हैं, लेकिन एक मैं हूं जो पहले तो 10-15 मिनट लेट होता था, लेकिन आज 40। हाँ, 40 मिनट लेट है। मिनट तो घंटों में बदलेंगे और घंटे दिनों में। क्या मतलब? मतलब तेरी तो सगाई हो चुकी है। अब वो तुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेगा, है ना? ए, तू चुप रह। तू क्या जानती है मेरे मानव के बारे में? हा? मैं तो बस तू जाके अपने कबीर को संभाल, वरना तेरी तो सगाई भी नहीं होगी। वो देख कबीर को लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। अरे ये लड़कियां भी पहले दिन बात करती है और दूसरे ही दिन हाथ पकड़ती है। अच्छा, अब तुझे कैसे पता? मैंने भी तो वैसे ही किया था। तुम्हारे रेशमी बाल कितने सुंदर हैं और नरम हाथ, ये सिर्फ मेरे जैसे इंसान के लिए। I love you, baby। मैं जब भी मानव के साथ ऐसे रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मानव जब भी ऐसे दिशा के साथ रहता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मानव और दिशा साथ में कितने अच्छे लगते हैं, है ना शानू? You just shut up! अरे यार, मेरे कहने का मतलब था कि
गलती मानव की, मानव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके बाय। मानव, तुम्हारा जैकेट उसके पास क्या कर रहा है? तुम इतनी लेट क्यों आए हो? What is happening? मौसम खराब था। मौसम नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुबह से तुम्हारा वेट कर रही हूं और तुम इतनी लेट आए हो। You don't care for me anymore. This is wrong. This is beautiful. How beautiful. तुम कितनी सुंदर लग रही हो। Really? और बाल? Wow. सिल्क कितने सुंदर लग रहे हैं वो। हाँ, मैंने आज ही स्ट्रेटन करवाया है ना। अच्छा, इसलिए। मैं तुम्हारे बारे में नहीं, मैं दिशा के बारे में बात कर रहा था। यहाँ क्या कर रहा है वो? अंदर है ना, उसी को। कौन वो? दिशा, तेरी भाभी, माँ की होने वाली बहू। नहीं नहीं नहीं, मानी मानी मानी, अपने लिए नहीं, माँ के लिए कर रहा हूँ। अरे माँ, नहीं नहीं नहीं, अरे माँ नहीं। तू अंदर कहाँ जा रहा है? किताब लाइब्रेरी रखने जा रहा हूँ। अच्छा, किताब रखने जा रहा है या उससे मिलने जा रहा है? मिलने जा रहा हूँ तो देख। चल दिखा। मैं वो और तू औकात मेरे। हाय। हाय। ताजुब की बात है, मैं ये किताब लेने आया था। कहाँ लेकर जा रहे हो? वहाँ पे। कहीं अनकहीं बातें। जी। इस किताब का टाइटल है। अच्छा, लगता है कि आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। वैसे तो नहीं है, पर हाँ ये किताब जरूर पढ़ना चाहूंगी। अच्छा, क्या इस किताब में? प्यार की बातें, जो दो लोग सिर्फ महसूस करते हैं पर कहते नहीं। सुनने से ज्यादा मायने रखता है इसे समझना, कहने से ज्यादा इसे करना, और देखने से ज्यादा इसे महसूस करना। देख लिया? शांति, शांति, लाइब्रेरी है, प्लीज कीप शांति। देख लूंगी तुम्हें। साइलेंट, शांति, मेरी बात तो, शांति मेरी बात तो सुन। शांति, शांति। अब कहीं अनकहीं बातें, दिशा की फेवरेट किताब, अगर इसमें क्या ये मैं जान गया तो मैं दिशा को जान गया। बैडमिंटन प्रैक्टिस करती है तू? मैं मोटी किताबें पढ़ती नहीं हूँ, बैलेंसिंग प्रैक्टिस करती हूँ, मॉडलिंग की एक्सरसाइज। देखो, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करती है तू? हाँ तो कर। अच्छा ठीक है, ये वाला नहीं। हाँ, मेरी लाइफ को बैलेंस कर। कैसे? ये किताब ले, इसको पढ़, इसमें से 10-12 प्यार भरी बातें। अरे पूरा सुन तो ले, 10-12 प्यार भरी बातें मुझे बता दे। दिशा को इम्प्रेस करना है। दिशा को? यस, आई लव हर। व्हाट? नहीं चाहिए मुझे कोई रिश्ता। जब रिश्ता निभाना नहीं तो रखना क्यों? उतारना चाहती हो? हाँ। ला, आई हेल्प यू। अरे जब रिश्ता निभाना नहीं तो फिर रखना क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना? नहीं। नहीं? अभी नहीं? हेलो। बुक पढ़ी? अरे टली, तू इस बुक के पीछे क्यों पड़ा है? माँ की खातिर। क्या? मेरी माँ का सपना है कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। मेरे बाल पकने से पहले मेरी माँ मेरे बाल बच्चों को देखना चाहती है। अरे तू और तेरे सपने, दोनों तेरे हाथ में है। चुपचाप फोन रख, जा वो किताब पढ़। अच्छा बाबा, अच्छा, एक घंटे बाद फोन कर। एक घंटे बाद? ओके, 5 मिनट में करता हूँ। बाय बाय।
पढ़ी? हेलो डार्लिंग, हाँ मैंने बुक पढ़ी। उसमें लिखा है कि अमर खन्ना। हेलो 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 चली चली हेलो हेलो चली हेलो कट गया। पॉपकॉर्न भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। सिट पॉपकॉर्न। एनीबडी एल्स एनीथिंग? नो। हाँ? नो थैंक्स। मानव इज सो स्वीट ना, सो स्मार्ट। जरूर दिशा से मिलने गया होगा। हाँ, तूने उसे बाहर रुकने दिया होता तो पॉपकॉर्न का बहाना तो नहीं बनाना पड़ता उसको। एनीवेज डोंट फील बैड। नाइस एड। एक मिनट। हे मानव, सॉरी आई एम लेट। पिक्चर स्टार्ट होगी क्या? आई डोंट थिंक सो। अभी तक शांति की चीख नहीं सुनाई दी ना? हॉरर फिल्म है ना। कम कम लेट्स गो प्लीज। गो। अरे शांति, तो मैं तो अंदर ही आ रहा था, पॉपकॉर्न लेके। डर गई ना? मैं क्यों डरूंगी? डरते तो वो लोग हैं जो लोग गलत काम करते हैं। शांति, जैसे कि तुम। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं सगाई के दिन से देख रही हूँ, जब से मानव ने तुम्हारी जान बचाई है तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो, उसे अपना समझने लगी हो। शांति तुम्हें क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। Damn it, what do you think of yourself? अपने प्यार की तो बड़ी दुआएं दे रही थी और अब मेरे प्यार के पीछे पड़ गई हो? Come on, stop it now. तुम जैसी बेशरम लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। Damn it. Enough, शानू. दिशा. What is wrong with you? दिशा, दिशा, दिशा. Too much. Sorry, दिशा. शांति के लिए मैं माफी मांगता हूँ. It's okay. अगर मैं शांति की जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। सब अपना प्यार पाना चाहते हैं, मेरा प्यार भी कुछ ऐसे ही था। तुम्हारे और अमर खन्ना के बीच में हुआ क्या था? मैं उसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती थी, शायद इसीलिए हम दोनों के बीच में जिंदगी कम पड़ गई। प्यार और जज्बात एक दूसरे के लिए उतने ही थे
भगवान ने वक्त एक को कम दिया और एक को ज्यादा। अजीब बात है ना, मेरे लिए वक्त बिताना इतना मुश्किल है और उसे बिताने के लिए वक्त ही नहीं मिला। मैं गुस्सा हूं भगवान से जिसने मेरे अमर को मुझसे छीन लिया। मैं गुस्सा हूं अमर से जो सब कुछ कर रहा है। मैं गुस्सा अपनी किस्मत पर जिसने मुझे जिंदगी दी और अमर को मौत। अगर जिंदगी मिली है तो उसे जीना तो पड़ेगा ही। यू मस्ट लिव माई फ्रेंड, यू मस्ट लिव, जियो। मतलब छोटो शानू मैडम के लिए कॉफी ला। फटाफट अभी लाया साहब। हाय शानू। हाय टली। तू जो शानू के बारे में बोल रहा था बता दू उसको। मैं क्या 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 बोल रहा था मेरे बारे में? छोड़ ना यार, तू तो जानती है पागल है, कुछ भी बकता रहता है। क्यों कबीर? हाँ तू कुछ खाएगी? नहीं, मुझे ये बता कि ये मेरे बारे में क्या बोल रहा था। टली बोलना, इसके पीठ पीछे तो क्या क्या बोल रहा था? यही बोल रहा था ना कि ये कितनी डरपोक है, दिशा बहादुर है। जाने देना यार, ये खुद क्या कम डरपोक है? हाँ, क्यों कभी? हाँ, लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन इसने का बच्चा? दिशा से कंपेयर कैसे किया तुझे? How could you? पता है क्या क्या बोल रहा था? हाँ, क्या बोल रहा था? कि दिशा कितनी स्मार्ट है, एडवेंचरस है। नहीं टली नहीं, इस बार मैं तुझसे शर्त नहीं लगाऊंगा। कैसी शर्त? इस इडियट ने शर्त लगाई है कि दिशा आधी रात को भी जंगल में जा सकती है और इशानो लाइब्रेरी तक नहीं जा सकती। अरे ये लाइब्रेरी चली भी गई तो होगा क्या? क्या होगा? हम लोग इसे दिशा की तरह बहादुर कहेंगे और क्या? उससे क्या होता है? सैंडविच लेगी? नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ और वो भी अकेले इसी वक्त, समझा तूने टली? अरे शानो तेरी कॉफी। शानो एक बार हॉरर सिनेमा देखते देखते मैंने चिल्ला क्या लिया था, मुझे डरपोक समझने लगे। एक्चुअली मैं तो हीरोइन के मेकअप को देख के डरी थी और जब सब लोग डर रहे थे तब तो मैं जोर जोर से हंस रही थी। इन्हें क्या पता कि हॉरर फिल्म्स डराने के लिए नहीं हंसाने के लिए बनती है। वैसे देखा जाए ना तो हमेशा मेरी ही गलती होती है, मैं हमेशा इनकी बात मान लेती हूँ। बट नो, दिस इज द लास्ट टाइम। यहाँ से लाइब्रेरी तक। हेलो, मैं नहीं डरने वाली, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, मैं डरपोक। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, इडियट। मुझे डरपोक समझते हैं। अक्षय, जी हाँ, कही अनकही बातें मुझे अच्छी तरह याद है। वो किताब मैं खुद जाकर स्टोर रूम में लॉक करवा कर आया था, बहुत पुरानी बात है, बल्कि आपके ही कहने पर। अगर लॉक करवा के आए थे तो फिर वो किताब लाइब्रेरी में कैसे पहुंच गई? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो खुद हैरान हूँ। हो सकता है हमारे किसी प्रोफेसर ने या स्टूडेंट ने वहां जाकर। प्रिंसिपल साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अगर मैंने आपको कहा था कि वो किताब लॉक करवा दीजिए तो उसके पीछे कोई ठोस वजह थी। दैट बुक स्पेल्स डूम, डेथ, डिस्ट्रक्शन। 50,000 कॉपीज छपवाई गई थी उस किताब की, उन्हें 5 अलग अलग शहरों में भेजा गया था, एक किताब भी नहीं पहुंची। 2 ट्रक खाई में गिर गए, एक पूरा का पूरा शिप कंसाइनमेंट लिए हुए डूब गया और एक ट्रक तो अपने आप उसमें आग लग गई। अब लोग कहते हैं कि किसी ने आग लगाई होगी, बट दे डोंट हैव एनी प्रूफ एंड आई नो व्हाट इज द ट्रूथ। जो कॉपी मैंने आपको लॉक कराने के लिए कहा था वो उस किताब की आखिरी कॉपी है, उस किताब के आखिरी 4 पन्नों में कुछ ऐसा है
कि वो किताब जहां भी जाती है एक हाउ शुड आई से, मैंने आपको कहा था ना, आई वॉन्ट द बुक बैक। नुपुर अक्षय, कबीर, टली, मैं जानती हूं तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। घबराई क्यों है? मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो नूपुर की बच्ची, मैं उसे देख लूंगी। वो समझती क्या अपने आप को? वो शांति, नूपुर दिल्ली में है। हाँ, अच्छा, तो नूपुर दिल्ली में, तो क्या स्टोर रूम में उसका भूत बैठा हुआ है? आओ दिखाती हूँ। ले कबीर ले, देख लिया? अब ये हम दोनों को डरा रही है। ये शायद जानती नहीं है कि अगर अक्षय को कोई डरा सकता है तो वो है टल्ली। टल्ली, क्या शक्ल पाई है उसने। वाह, वो पैदा ही मुर्दा हुआ था। उसकी एक झलक 3 घंटे की हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावनी लगती है। शांति, अगर इस अंधेरे में तूने टल्ली को देख लिया होता तो तू मानव की शक्ल भी भूल जाती। शुक्रिया साहब, रख लो। नुपुर, 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 नुपुर। पिक इट अप। कबीर, टल्ली बोल रहा हूँ। टल्ली, कहाँ है तू? नुपुर के घर पे। नुपुर के घर? वो तो दिल्ली में। या कुछ गड़बड़ है। आई एम श्योर, तू तुरंत यहाँ आ जा। मैं आता हूँ, तू वहीं रुक। कम क्विकली। नुपुर, 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 नुपुर यार, कम ऑन, नुपुर, 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 यार ये लड़का। तो फिर किताब ही गई थी। पता नहीं ये किताब मनहूस है या नहीं, लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत हो मुझे इसे लाइब्रेरी में रख देना चाहिए। बिल्ली, तू ठीक है ना? उठ। ओह, थैंक गॉड तुझे। कबीर, कबीर, वाह वाह वाह। क्या वाह? वो क्या टली? वो कित? रिलैक्स, तू इतना डरा हुआ क्यों है? चल यहाँ से निकलते। अरे कुछ बताए, मैं बाद में बताऊंगा। प्लीज यार यहाँ से निकलते अभी। चल यार, कुछ तो बता। चल यार कबीर, प्लीज।
टली बात क्या है? तू कुछ बोल रहा क्यों नहीं है? अरे टली, टली, अरे हुआ क्या टली? टली, क्या मेरा बैग तो कबीर की गाड़ी में। ओ शिट, हेलो कबीर, कबीर सुन। हाँ बोल टली। बुक है तेरी गाड़ी में, मेरा बैग रह गया है यार। हाँ हाँ यही है। अच्छा सुन, उस बैग में एक बुक है, वो बुक मुझे आज ही कॉलेज में रख देना है वापस बस। हाँ तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हम लोग मानव के परफॉर्मेंस के लिए कॉलेज में मिल रहे हैं ना, तब रख लेंगे, ठीक है ना? ओके तब तब। आखिर बात क्या है, तू इतना डरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं एक्चुअली, वो बुक मत पढ़ना कबीर, प्लीज प्लीज। कबीर तू सुन रहा है ना? हा? कबीर उस बुक को खोलना मत, उस बुक के अंदर जो है मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। कबीर देख, मैं तुझे कॉलेज में मिलता हूँ। ओके ठीक है, बाय बाय। कॉलेज में बुक रखना भी है और बुक पढ़ना मत, ये भी कोई बात हुई? लगता है टली कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। देखता हूं इस बुक में है क्या, कहीं अन कहीं पाते। नुपुर, पढ़ लिए। मैंने तुझसे कहा था ना किताब मत पढ़ना, क्यों पढ़ी? अरे तू मेरी बात सुन यार। कुछ मत बोल, मेरी बात सुन, अभी इसी वक्त मुझे कॉलेज में मिल, मैं आ रहा हूं। ठीक है। चाबी पर्स। टली कहाँ है? टली टली कहाँ है तू यार? फर्स्ट फ्लोर पे तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। चल 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 चल। कहाँ शो तो आए? अरे शो बाद में, अभी लाइब्रेरी में जाना है पहले यार। लाइब्रेरी? अरे मुझे बुक रखनी है। अरे यार ये कबीर बिना पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा यार। अच्छा अबे तू वहां ढूंढ प्लीज यार, मैं इस तरफ देखता हूँ। कहाँ है टली? टली कबीर कहाँ है तू यार? मैं यहाँ हूँ लाइब्रेरी के बाहर। लेकिन लाइब्रेरी तो बंद है ना बॉस, वहाँ क्या? हाँ तू कहाँ है? मैंने कहा ना स्टोर रूम में तेरा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना बॉस। ठीक है मैं आता हूं।
टले टले का फोन आया तो मुझे फोन कौन कर रहा है? यार मैंने उसे कॉलेज में बुलाया ले मेरा फोन उसके पास है। कॉल ऑन माय फोन। बड़ी जल्दी याद आया। प्लीज यार जस्ट कॉल हिम। टले हाँ वॉइस टैग। वो देख मिल गई तुझे तेरी बुक। हाँ थैंक गॉड। लेकिन ये कबीर इसे यहाँ छोड़कर कहाँ चला गया यार? अबे नूपुर आ गई होगी यार, वो उसे लेने क्या होगा, वो दोनों सीधा शो में ही पहुंचे। अबे यार शो वो सब ठीक है यार, लेकिन इसे ऐसे यहाँ छोड़ के जाना इट्स रॉन्ग यार। अरे यार लाइब्रेरी बंद होगी इसलिए यहाँ छोड़ गया होगा। तुझे तेरी बुक मिल गई ना, अब तो खुश है ना? चल अभी चल यहाँ से। अबे चल चलना। लेकिन चल एक्साइटेड कि तुम आज परफॉर्म करने वाले हो। आई एम श्योर तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस आज तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा। व्हाट डू यू से? या क्या बात है, कुछ और सोच रहे हो क्या? मैं वही सोचा था कि किसी ने दिशा को इन्फॉर्म किया। हैज एनीवन गॉन पिक हर अप? क्यों करेगा कोई उसे इन्फॉर्म, क्या वो खुद नहीं आ सकती? तुम्हारे मूड को क्या हुआ? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिशा यार। दिशा दिशा दिशा, नाउ दिस इज गेटिंग टू मच। हां जिस दिन से वो हमारे कॉलेज में आई है तुम उसी के बारे में सोचते हो, उसी के बारे में बातें करते हो। आज मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं जो कुछ भी सोचती हूँ तुम्हारे बारे में वो बिल्कुल सही है। ये बात नहीं है, वो कॉलेज में अकेली है। That's why I feel a little protected towards her. उसके लिए प्रोटेक्टिव और मेरे लिए? तुम्हें आज ये फैसला लेना ही होगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? Tell me, do you love her? क्या तुम उसे प्यार करते हो? तुम मुझे बताओ। मैं तुम दोनों के रास्ते से हट जाऊंगी, तोड़ दूंगी ये सगाई। Tell me, what do you want, man? Be honest. You want me to be honest? I'll be honest to you. ये बात सच है कि उसमें एक अजीब सी कशिश है जो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं उसके साथ रहूं, उसका सहारा बनूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है that I love her. I love you, damn it. साथ, सहारा। शांति। क्या है उसमें? अजीब सी कशिश। शानू शानू शानू। शांति अचानक चली गई, झगड़ा हुआ होगा ना फिर से? अरे टेंशन मत ले यार, जैसे गई है वैसे वापस भी आ जाएगी। हाय। हाय दिशा। क्या हुआ, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं यार, नॉर्मल स्टफ, दोनों का फिर से झगड़ा हो गया। हाँ लेकिन ये राम कहानी हम तुम्हें बाद में सुनाएंगे,
अभी इसका परफॉर्मेंस है ना, ए चलना मानव। दिशा के घर तो जाना ही पड़ेगा, समझती क्या आपने आपको? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, आज तो ये फैसला होकर ही रहेगा। हेलो, कोई है? से मिलना है? दिशा से। दिशा कहाँ है? दिशा? हाँ, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। तुम जानती हो दिशा को? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उसे। वैसे आप कौन हैं? मैं दिशा की माँ हूँ। ओह, सॉरी। प्लीज आप दिशा को बुलाइए ना, मुझे उससे इसी वक्त मिलना है। लेकिन तुम उसे कैसे मिल सकती हो? मेरा उसे मिलना बहुत जरूरी है। आज ये फैसला होकर ही रहेगा। बहुत सहन कर लिया मैंने, मैं और नहीं सह सकती। सहा तो दिशा ने था। दिशा कहाँ है? दिशा को मरे हुए 22 साल हो चुके हैं। कोई कितना भी कोई कर...
एक बात कहूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं जो कह रही हूं वो कान खोलकर सुन। दिशा, दिशा है ना, वो मर चुकी है। शांत हो जाओ बेटा, शांत। नहीं बेटा, नहीं, शांत हो जाओ। दिशा, डॉक्टर साहब इसे हुआ क्या? आई थिंक शी इज सफरिंग फ्रॉम ट्रॉमा। किसी घटना दुर्घटना की वजह से इनको काफी सदमा पहुंचा है। ये कुछ वक्त तक बोल नहीं पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं बोल सकेंगी। कुछ देर आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगी। तो मैंने जो मेडिसिन दी हैं, वो टाइम से देते रहेंगे। याद रखिए, आराम बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू मैम, आपने हमें कॉन्टैक्ट किया, लेकिन आपको मेरा नंबर? इसके मोबाइल से। मेरा नाम सुनीता है, सुनीता मेनन। सुनीता मेनन? सुनीता मेनन, अक्षय, नाम नहीं सुना तूने यार? बहुत बड़ी ज्योतिष है, अंग्रेजी में इन्हें ऑरा रीडर कहते हैं, कुछ कुछ लोग इन्हें भगवान का दूत भी कहते हैं, तो कोई लोग तांत्रिणी। मैंने तो सुना है कि भूत पिशाच को वश में करने की शक्ति रखती है ये। मतलब तू तो गया आज, तू भी तो भूत पिशाच की कैटेगरी में आता है ना टल्ली। एक बात सोच, अगर ये भूत प्रेत नहीं होते तो ये कहाँ होती? इसकी तो कंपनी भूतों और आत्माओं की वजह से चल रही है। क्या प्रोफेशन है और नाम भी क्या पाया है। नाम जो भी हो, मेरा काम है लोगों की मदद करना, और ये मेरा पेशा नहीं, शौक है। आप लोग चाहो तो मेरे गेस्ट रूम में रह सकते हो। गेस्ट रूम नहीं, घोस्ट रूम होगा।
चल चल। मेरी बात पर यकीन करो, मेरे और दिशा के बीच में कुछ भी नहीं है। मानव, वो दिशा, वाइस, वो अपने आप को संभालो, ऐसा कुछ नहीं है शांति, मैं हूं ना। क्या शांति, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुनो, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वहम नहीं, हकीकत है। सुनीता जी, देखिए बाहर अंधेरा धूप। ये जो देख रही है वो मैं भी देख सकती हूँ। तुम लोगों पर किसी आत्मा का साया मंडरा रहा है। नहीं नहीं, मैं इन चीजों को नहीं मानता। तुम्हारे मानने या न मानने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। बट हाउ इज दैट पॉसिबल, मैं कैसे मानूं जो चीज मुझे दिखाई नहीं देती। जरूरी नहीं है जो दिखाई दे वो सच हो। शांति का डर सच है और उसका सबूत ये है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए एक ही रास्ता है। मुझे अपनी शक्ति से उस आत्मा को बुलाना ही होगा। ये कर क्या रही है? दिवाली मना रही है। अबे इतनी मोमबत्ती और कब जलाते हैं? अबे आत्मा को बुलाने के लिए यार। हाँ हाँ, आत्मा आएगी, हम उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करेंगे और साथ में। डरो मत, जो लोग कुदरत की शक्तियों से अनजान होते हैं मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती। शायद तुम लोगों को ये बात नहीं मालूम कि दिवाली की रात भी अमावस की रात होती है, इसलिए उसे मिटाने के लिए दिए जलाए जाते हैं। चलो तुम लोग इस सर्किल के अंदर आ जाओ। आत्मा को बुलाने के लिए आप लोगों को अपना अपना हाथ इस बोर्ड पर रखना होगा। उसके बाद मैं आह्वान मंत्र पढ़ूंगी, जबकि दौरान कोई भी इस बोर्ड से अपना हाथ नहीं हटाएगा। मंत्र पूरा होते ही आत्मा खुद ब खुद यहां आ जाएगी। जब तक सियांस चलेगा कोई सर्किल से बाहर नहीं जाएगा। बाहर जाने से तुम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। मतलब इस सर्कल के अंदर हम लोग सेफ है ना? यहां तो आत्मा नहीं आ सकती। आत्मा कहीं भी आ सकती है, लेकिन इस सर्किल के अंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप अमर खन्ना की आत्मा को बुलाइए, सारी मुसीबत की जड़ वही है।
ऐसी कोई आत्मा नहीं है। अगर होती तो अपने आप आ जाती। मैं कह रही हूं ना, आप दिशा की आत्मा को बुलाइए। सॉरी, तुम्हें क्या बात कर रही हो? वो यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो जिंदा है। वो मर चुकी है। प्लीज सुनीता जी, आप दिशा की आत्मा को बुलाइए, वो मर चुकी है। अभी पता चल जाएगा। यह हमारी बदकिस्मती है कि सियास पूरा नहीं हो सका, वरना हम जान जाते कि दिशा चाहती क्या है और क्यों तुम सबकी जान के पीछे पड़ी है। अगर आज आपने अक्षय को नहीं बचाया होता, दिशा तो उसे मार ही डालती। इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा वो हमें मारने की कोशिश नहीं करेगी? आज दिशा ने दिखा दिया कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। यही चिंता मुझे सता रही है कि दिशा की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। उसकी शक्ति का असर कम या खत्म नहीं किया जा सकता। जबकि हमें यह पता चले क्या चाहती है वो, क्यों उसने नुपुर और कबीर की जान ली है। कम ऑन। अक्षय, मैंने किताब पढ़ी। क्या हुआ टली? टली बता तो सही, क्या हुआ? इसमें दिशा की कहानी है। What? हाँ, मुझे शक था कि दिशा का और इस किताब का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मेरा शक सही निकला अक्षय, नुपुर और कबीर ने ये किताब पढ़ ली, इसलिए दिशा ने उन्हें मार डाला यार। लेकिन बुक पढ़ने से दिशा किसी को क्यों मारेगी? अरे यार, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि कोई ये जान जाए कि वो मर चुकी है। She is a spirit. नुपुर और कबीर को उसकी असलियत पता चल गई थी यार। मगर वो ऐसा क्यों कर रही है? यही पता लगाने मुझे कृष्णा कॉटेज जाना होगा। कृष्णा कॉटेज? हाँ, कृष्णा कॉटेज, वही बंगला
वही हॉन्टेड हाउस जहां हम मानव की सगाई की रात रुके थे। दिशा की हमसे मुलाकात पहली बार उसी दिन हुई थी। अब ये जानने के लिए कि दिशा का हमारी जिंदगी में आने का मकसद क्या है, मुझे कृष्णा कॉटेज जाना होगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गया क्या तू? मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा। मुझे जाना होगा अक्षय, मेरी वजह से हमारे दो दोस्तों की मौत हुई है। लेकिन टल्ली तुझे क्या पता था, इसमें तेरी क्या गलती है? अरे गलती मेरी है यार। तू नहीं जाएगा अक्षय। इस किताब की कहानी मुझसे शुरू हुई थी, खत्म भी मैं ही करूंगा। अक्षय, अक्षय, टली, 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 तू ठीक है ना? अक्षय, थैंक गॉड तू आ गया यार। मैंने तुझे कहा था ना, इस कृष्णा कॉटेज में हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ये देख, अब समझा यार, इसी वजह से तो दिशा हमारे पीछे पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। टली, हाँ, तू घबरा मत, हम ये ले जाकर सुनीता जी को दिखाएंगे। अरे लेकिन सुनीता जी को दिखाकर क्या फायदा यार? टली घबरा मत। अच्छा मैं टल्ली, मैं हूं ना तेरे साथ। टल्ली मेरी बात सुन। टल्ली, मैंने इसे कितना समझाया, लेकिन इसे पता था यहां इसकी जान को खतरा है, फिर भी ये यहां आया। कह रहा था 22 साल पहले दिशा यहां रहती थी, यही से उसकी असलियत का पता चलेगा। पता चल गई उसकी असलियत? दिशा 22 साल पहले यहां रहती थी, ये बात तल्ली को कैसे पता चली? किताब से, कहीं अनकहीं बातें। ना इसने ये किताब पढ़ी होती और ना ये। कहीं अनकहीं बातें, ये तो प्रोफेसर दास की कहानी है। हमें प्रोफेसर दास के घर जाना ही होगा। दिशा, तुम्हारा मासूम चेहरा आज भी मेरे दिलो दिमाग में उतना ही ताजा है जितना कि तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हर बुरी याद। सोचा था यह हादसा आखिरी होगा, मगर नहीं। प्रोफेसर, प्रोफेसर, ओह माय गॉड,
ये लवर्स पॉइंट कहाँ है? शिमला से 15 किलोमीटर दूर। किस्मत है छोकरे की। सही आ रहा है, सही आ रहा है। क्या बोला? क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? मार डालोगा तुम लोग, समझा? पागल हो गए क्या? अमर, अमर सुनो तो, अमर, अमर। क्या बात है? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मुझे भी जरूरी काम है। I have to return the book, please. The library will close. 2 minutes, I'll be back. फिर से इंतजार। लगता है मेरी दिल की बात कहने के लिए ज़िंदगी भर मुझे तुम्हारा इंतजार ही करना पड़ेगा। Hi, दिशा। Hi, Sid. आज Rose Day है। तुम मेरी पार्टनर बनोगी? Sid, हम सिर्फ दोस्त हैं। और मुझे मेरा पार्टनर मिल गया है। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो मंजिल तेरी देखे रास्ता मुड़ के जरा अब देख लो तेरा इंतजार है
भूली मोहब्बत की खुशबूएं है हवा में फैली हुई, छूकर मुझे आज महसूस कर लो वो यादें मेरी अनछुई। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। ये क्या है? हमारे प्यार की निशानी। तुम इस रिश्ते को गलत समझ रही हो। हमारा रिश्ता कुछ और ही बन चुका है अमर। We both love each other। देखो दिशा, दोस्ती से बढ़के और प्यार से कम भी एक रिश्ता होता है, जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है। दिशा, दिशा प्लीज। I'm sorry। दिशा तुम? कैसा हुआ ये सब? ये विशाल है, तुमने देखा है? विशाल और उसके दोस्तों का खून हो गया है। ये तीनों लड़के हमारे हॉस्टल में रहते थे। कहाँ जा रहे हो? नीचे। पागल हो गए हो? तुम नीचे जाओगे तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मुझे नहीं छोड़ेगी? क्यों? क्योंकि पुलिस को शक हो गया कि खून तुमने किए हैं। खून? नहीं। हमें यहाँ से भागना होगा अमर। भागना होगा? खून मैंने किया है। तुम्हारी लड़ाई हुई इन लोगों के साथ, तुमने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, सबने सुना है। हाँ लेकिन वो सब मैंने गुस्से में कहा था। I didn't mean anything। पुलिस तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगी अमर। वो किसी भी तुम घबराओ मत अमर, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी अमर। दिशा स्टॉप द कार, मुझे वापस जाना है। मैं कह रहा हूँ लेट्स गो बैक। देखो स्टॉप द कार, आई एम टेलिंग यू। देखो नहीं अमर। विशाल और उसके दोस्तों को तुमने मारा? नहीं मारू, वो मैं। जवाब दो क्यों मारा? मुझे पाने के लिए तुमने उनका खून किया। तुम जानती थी कि इनका शक मुझ पे आएगा, और जब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा तो तुम मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा, तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार करती हूं। नेवर, तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। तुम गाड़ी रोको। शब्द का रोको गाड़ी। मैं बोला हूं, मैं कह रहा हूं गाड़ी रोको। मुझे एक बात अभी समझ में नहीं आ रही है, अगर दिशा मुझे पाना चाहती थी तो फिर इतने साल इंतजार क्यों किया? मेरे हिसाब से पिछले जन्म में जिस उम्र में उसने अमर को खोया था, अब दोबारा उसी उम्र में वो मानव को पाना चाहती है। उसने वो किताब स्टोर रूम से लाइब्रेरी तक पहुंचाई, लेकिन तुमसे पहले
कबीर और नूपुर ने उसे पढ़ ली और उन बेचारों को बेवक्त की मौत मरना पड़ा, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारा और उसका रिश्ता कोई और जान सके। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे शरीर को एक बर्फ के पहाड़ में रख दिया और इतने सालों तक उसको संभाल के रखा है ताकि जब तुम इसे देखो तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। मुझे पाने के लिए ये सब क्यों? मुझे उसने पहले क्यों नहीं मार दिया? क्योंकि सिर्फ मारना ही दिशा का मकसद नहीं है। अगर तुम अपने आप को मारकर दिशा को अपने हाथों से सौंप दो तो तुम्हारा मरना कोई मायने नहीं रखता। ये कुदरत का नियम है। मतलब? मानव को दिशा के साथ जाकर उसी जगह मरना होगा जहां पिछले जन्म में अमर की मौत हुई थी, फिर जाके उसे मरकर अपने आप को दिशा को सौंपना होगा। उसे हम किसी तरह रोक नहीं सकते? रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम्हारी और मानव की कुंडली जुड़ जाएगी, तब दिशा कुछ नहीं कर सकेगी। आप कहना क्या चाहती हो? पिछले जन्म के कर्म दिशा इस जन्म में पूरा करना चाहती है। तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम्हारे कर्म और कुंडली के हिसाब से तुम सिर्फ शांति की हो जाओगी। नहीं, मैं शांति की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। शांति ही क्यों? हम सब की जिंदगी खतरे में है। तुम्हें पाए बगैर उसे चैन नहीं मिलेगा। इस उपाय में खतरा तो हो सकता है, लेकिन बचने के लिए और कोई रास्ता तो नहीं है ना? मानव, आज तक किस्मत हमें आजमाती आई, आज पहली और आखिरी बार हमारे प्यार के खातिर हम किस्मत को आजमा कर देख लेते हैं। अगर तुम्हारे साथ मेरा जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ जाए तो फिर जिंदगी छोटी हो या बड़ी उसे क्या फर्क पड़ता है? फिर तुम भी एक बात समझ लो कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, जिंदगी या फिर मौत। ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पृथ्वी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम दिग्विजय देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम हिम प्रेम क्लेम कनि कनि जब तक इन दोनों की शादी पूरी ना हो जाए मानव और शांति सर्कल से बाहर नहीं निकलने चाहिए। रोक दो ये शादी। मानव, ये क्या कह रही है? हमारी शादी? मुझे लगता है हमें फिर से दिशा, ये हमारी शादी नहीं होने देगी। मैं नहीं, शादी। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं मानव से शादी करके रहूं? मानव, रुक जाओ। मानव, शादी सुनो, रुक जाओ। डोंट यू डेट अच्छा शांति। प्रेम,
मानव वो चली गई, मानव बहुत दर्द हो रहा है, मानव मुझे बहुत दर्द हो रहा है मुझे, मानव ये देखो क्या किया उसने, बहुत दर्द। रुक जा मानव। देख शांति नहीं, देख शांति, शांति। मार। भगवान की रक्षा करे। मैंने क्या कर दिया? इसे शादी करना चाहते हो ना तुम? मार डालूंगी। ऋषभ! मार डालूंगी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मेरी शांति को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी शांति को। शांति, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। शानू, तुमने अपना इम्तिहान दे दिया अपने प्यार के लिए, अब मेरी बारी है, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। देशा, 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 कहाँ हो तुम? लो मैं आ गया मैं। अमर, इस एक पल के लिए मैंने बरसों इंतजार किया है, आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? तुम्हें क्या चाहिए? मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा दिल, क्या? सब कुछ, मुझे सब कुछ चाहिए। अपना शरीर, अपनी आत्मा, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, लेकिन रिश्ता तो उसी से जुड़ा रहेगा जिसे मैंने अपना दिल दिया है, प्यार किया है, शांति। और आज मैं उसी के लिए खुद को खोने आया हूं। खोया? खोया तो मैंने भी है तुम्हें एक बार अपनी जिंदगी देकर, अब दोबारा नहीं खो सकती। कितना वक्त काटा है मैंने जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिना ना मैं जी सकी ना मर सकी। जिसका बेसब्री से इंतजार हो वो तुम्हारे पास आ जाए तो उसे पाने के सिवा और कुछ नहीं सोचता, मगर आज आज मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं चाहती हूं। सिवाय मेरी चाहत के मैं तुम्हें अपनी जिंदगी तो नहीं दे सकता, मगर मौत, मेरी मौत तुम्हारे लिए, सिर्फ मेरी मौत। देख लो अमर, हवाओं का रुख आज मेरे साथ है, ये फिजाएं भी मेरे साथ है, ये वादियां मेरे साथ है, कुदरत भी यही चाहती है कि तुम्हारा साथ मेरा हो जाए। तुम अब तक नहीं समझे प्यार क्या होता है, खोकर पाना क्या होता है। आज कुदरत तुम्हारा नहीं, मेरा और शांति का साथ दे रही है। किस आशिक को यह मौत नसीब होती है कि जिसे प्यार करो उसी के लिए मरो,
दिशा, तुम्हारा प्यार कभी अमर नहीं हो सका, लेकिन आज मेरा प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। देख लो, आज ये हवाओं का रुख, ये वादियां, ये फिजाएं मेरे साथ हैं। आज मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तुम हार गई। अब कैसा लग रहा है बेटे? मैं यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ कोई लड़की छोड़कर चली गई बेटा, नाम पता तो उसने कुछ बताया नहीं, ना जाने कौन थी वो, लेकिन तुम्हारे लिए ये देकर गई है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। हाँ, माना तुम हैरान होगे कि यह जिंदगी तुम्हें वापस कैसे मिल गई। अपनी जिंदगी को मेरी हार मत समझना, मैं हारी नहीं हूं ना हारूंगी। मैं तुम्हारे प्यार को अमर कैसे होने देती जबकि मेरा प्यार अमर है। तुमसे मिलकर मैं अपने प्यार को पा तो नहीं सकी, मगर प्यार को समझ जरूर गई। तुम्हारी खुशी शांति में है और मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में। शायद यही प्यार है, लेना नहीं बल्कि देना। और ये मैंने तब जाना जब मैंने देखा कि तुम अपने प्यार के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान करने को तैयार थे। आज पहली बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस साये की तरह नहीं जो हर वक्त हर कदम पर अंधेरा छोड़ देता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ उस धूप की तरह जिसकी रोशनी हर राह में तुम्हारा साथ देगी। फिर तुम चाहे किसी भी दिशा में जाओ, जब सूरज की कोई किरण तुम्हारे चेहरे को छुएगी तो मैं एक नई सुबह की तरह मुस्कान बनकर तुम्हारे चेहरे पर रहूंगी हमेशा। यादों के धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा हूं जो रोशन तुम्हें करके खुद तो पिघल जाऊं, का सूरज तुम्हारे लिए है मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा
सुना लम्हा।